पाकिस्तान में भी असर चीन की वैक्सीन, मेड इन चाइना निकली वैक्सीन, बुजुर्गों पर नहीं प्रभाव, अब क्या करेगा पाकिस्तान। कोरोना संकट के बीच भारत ने जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को दुनिया भर के कई देशों में खेप पहुंचानी शुरू की है, उसको देखते हुए भारत की जय जयकार दुनिया भर में हो रही है। बता दें कि कोरोना की लहर के बाद अब भारत में वैक्सीन टीकाकरण तो शुरू हुआ ही है, लेकिन दूसरे देशों में भी मेड इन इंडिया वैक्सीन की वजह से टीकाकरण चालू हो रहा है। वहीं पड़ोसी देश भारत की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। वहीं चीन की वैक्सीन को लेकर तो उसके मित्र देश पाकिस्तान ने ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। बुजुर्गों पर भी असर वैक्सीन। पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए चीन का सिनोफार्म टीका प्रभावी नहीं है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य मामलों के विशेषज्ञ सलाहकार डॉक्टर फैसल सुल्तान ने शुक्रवार को मीडिया से कहा कि डेटा के प्रारंभिक विश्लेषण पर विचार करने के बाद पाकिस्तान की विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि टीका केवल 18 से 60 साल की उम्र के समूह के लोगों को लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समिति ने इस चरण में सिनोफार्म टीके को 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सही नहीं पाया है। दान में मिली थी वैक्सीन। चीन की सिनोफार्म कंपनी ने ये कोरोना वैक्सीन विकसित की है और चीन ने इसे फ्री में पाकिस्तान समेत अपने मित्र देशों को दिया है। हालांकि पाकिस्तान की बड़ी आबादी की तुलना में चीन ने सिर्फ 5 लाख डोज दी है, यानी ये सिर्फ 2.5 लाख लोगों को लग सकती है। दान में मिली वैक्सीन पर पाकिस्तान इतना निर्भर है कि उसे सोमवार को वैक्सीन मिली और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को ही देश भर में वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। पाकिस्तान सरकार ने पहले स्वास्थ्यकर्मी और फिर बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने की बात कही थी, लेकिन 5 लाख डोज में कितने बुजुर्ग तक ये अनुप्रभावी वैक्सीन पहुँचेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अपने विमान से मंगवाई वैक्सीन। चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को भले ही मदद कर रहा हो, लेकिन जब टीका देने की बारी आई तो चीन ने साफ शब्दों में कह दिया कि पाक अपना विमान लाए और वैक्सीन ले जाए। लेकिन गरीबी से जूझ रहे पाकिस्तान ने एक हवाई जहाज भेजने की प्लानिंग करने में ही कम से कम 1 महीना खर्च दिया। किसी अन्य देश से वैक्सीन की खैरात मिलती ना देखकर इमरान खान सरकार ने आखिरकार रविवार को एक स्पेशल विमान चीन भेजकर वैक्सीन को मंगवाया। मिलेगा भारत का टीका। पाकिस्तान को भारत की ओर से 1.70 करोड़ टीके मुफ्त मिलने जा रहे हैं। उसे कोवैक्स प्रोग्राम के तहत ये खैरात मिलने जा रही है। पाकिस्तान ने सबसे पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से तैयार किए गए टीके कोविशील्ड को ही आपातकालीन मंजूरी दी, लेकिन इमरान खान की सरकार के खजाने में न तो इतने रुपए हैं कि वे टीके खरीद सके और न ही इतनी हिम्मत के भारत सरकार से टीका मांग ले। हालांकि पाकिस्तान ने इसे बैकडोर से पाने की कोशिश के तहत राज्य सरकार और निजी सेक्टर को खरीद की छूट दे दी थी। इसी बीच रविवार को इमरान खान के विशेष सहायक डॉक्टर फैसल सुल्तान ने घोषणा की कि अगले महीने से पाकिस्तान को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी मिलने जा रही है। उन्होंने बताया कि 60 लाख डोज की डिलीवरी मार्च तक हो जाएगी तो जून तक 1.70 करोड़ डोज मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।